Okay, so uh hi guys, this is uh, Gaming Proshan and ask particular video about a team that uh... सो सो ब्रिलियंट कि वो कभी कभी अपने गेम्स भी थ्रो करती है और बहुत ज्यादा कि दब बनाया यहाँ पर जो था, उसके क्लिप्स रहेंगे है, जो कि इस समय ग्लोबली एक बहुत भयंकर वाली टक्कर दे रही है वे वैम्पायर है इनका प्ले स्टाइल इनका एग्रेशन इस

फर्स्ट यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा पहली चीज जो कि आती है वो है का का स्टाइल, स्टाइल कितने अलग से खेलती है? This is a positional gameplay. So, का प्ले इज़ वेरी गुड. सेंस एक रिवर के अराउंड ये खुद को कैसे सिचुएट करके रखा हुआ है लो ग्राउंड है नो डाउट बट केयर अबाउट लो ग्राउंड दे जस्ट वॉन्ट टू डोमिनेट डोमिनेशन का आता है जब जोन ने पीछे वाले प्लेयर्स को धकेला तो वो प्लेयर्स इधर की तरफ को एंड एक साथ हो गए इसमें भी एक आदमी है जो कि आगे की तरफ को है बाकी तीन प्लस पीछे हैं सो इट्स नॉट एक्ट थ्री वन स्पलिट बट दे लाइक टू प्ले लाइक दिस सो पहली चीज हो चुकी है पोजिशनल प्लेय जिसपे आते हैं टॉक अबाउट द साइड ऑफ थिंग्स इनकी टीम बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्स करती है एक दूसरे से वेन इट कम्स डॉन टू क्रिएटिंग स्ट्रैटेजीज एंड दे चेंज देज स्ट्रैटीज ऑन द गो इसका भी तुम्हें एग्जांपल अच्छे से पता चलेगा जोन नहीं होने पे कैसा था

टेक मोर एरिया टू प्ले और उसके अराउंड ये लोग आगे मूव करना चाहते हैं नाउ दिस इज डिफरेंट हर प्लेयर अलग हो चुका है दे है स्ट्रैटेजी ओवरऑल और अब इस बेसिस पर ये लोग जोन के अंदर घुसने की कोशिश करना चाहते हैं अभी 28 लोग हैं इनको हटा के 24 लोग हैं तो ये यहां पर 16 फिनिश 16 एलिमिनेशन और निकालने वाले टोटल 24 निकालते हैं 16 और निकालने वाले हैं इन 28 इन 24 लोगों में से थिंक अबाउट इट जितनी लॉबी उसमें से टू थर्ड को ये लोग अपना शिकार बनाने वाले हैं इस इस पूरे सिनेरियो इज जस्ट सो ब्रिलियंट राइट ये लोग क्या कर रहे हैं वहां से सीधा गए घर पर पहुंच गए हाई ग्राउंड मिल चुका है दे नो इट वेम्पायर के एक बंदे ने डाउन किया एंड दूसरा बंदा आगे है राइट इफ यू अंडरस्टैंड इट क्या डिस्टेंस अभी डिफरेंस है एक बंदा घर पे है और एक बंदा आगे दिस इज हाउ यू क्रिएट प्रेशर एंड वेम्पायर नोज हाउ टू क्रिएट प्रेशर इनका प्रेशर सेंस जो जो होता है ना जहां पर ज्यादा दर्द हो वहीं पर प्रेशर डालना है वो बहुत अच्छा है एंड उसके बाद दिस दिस इज इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल यहां से तुम देखोगे यहां से आएंगे एनिमीज हेड के कॉल सारे यहां से एनिमीज हेड के कॉल आएंगे और यहां से जाएंगे थ्रोएबल्स वेरी गुड कोऑर्डिनेशन बाय दिस टीम वेरी गुड कोऑर्डिनेशन सो so, यही दिखाता है कि कैसे कॉल आउट्स पर इंस्टेंटली तुम लोग कॉन्वर्जिट कर सकते हो राइट वेरी वेरी अमेजिंगली अंडरस्टूड और यहीं पे लोग टीम्स खत्म करते हैं आठ थे सीधा ग्यारह हुए विच वॉज वेरी गुड वीवो के इनको सीधा एलिमिनेट किया अब इनको जोन के अंदर और जाना है ये लोग एच पर है सर्कल पर है सेफर साइड पर है राइट right? अब इनको जोन के अंदर और मूव करना है सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज लुक एट वेयर द प्लेयर्स आर इन लोगों ने ये वाला घर ले रखा था ये वाला ये जो स्लांट वाला ना वो घर ले रखा था ये लोग बाइफरकेट हो चुके हैं दो इधर दो इधर ये लोग जाएंगे हैं। no like this, thinking, हर कोई सोचता है फाइनल सर्कल से एक साथ रहते हैं हाँ फाइनल सर्कल में अगर नॉक हो गए तो अलग हो जाएंगे ये सब चीजें सोची जाती हैं बट यहां पर ऐसा नहीं है Look at them. They have changed their pathways, which is really good. ये देख के की, याद आती है, टू की याद आती है सब चीजों की याद आती है पर को देख के वो याद आते हैं टू बी ऑन अगर तुम्हें याद आता है तो लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ उस टाइम के बारे में यहीं पर वो किया था कॉमेंटेट बटिया कास्ट कॉमेंटेट की आदत हो रही है बटिया अब ये लुक एट दिसकवर यू सो दिसक एट दिसकवर यहां पर एक प्लेयर को पता है कि भाई इधर देखना है मुझे ये गेम टीपीपी का है राइट right? ये पूरा गेम टीपीपी का है एंड हाउ डू यू नॉर्मली टॉक अबाउट टीपीपी जस्ट लाइक दिस मैंने एक बंदे को देखा इधर मैं उधर की साइड पर घूमा और मैंने उसको मारा दिस इज टीपीपी दिस इज प्योर टीपीपी गेम दिस इज प्योर टीपीपी गेम बट उसी के अंदर यूर जस्ट मिसिंग आउट द मेजर पॉइंट और वही हुआ यहां रेवन क्लॉ ने बहुत इजीली नॉक किया बहुत इजीली नॉक किया अप्रोच और ये अप्रोच है इस टीम की अप्रोच बहुत ज्यादा डायनेमिक है। इस टीम की अप्रोच बहुत ज्यादा अलग है ये टीम अगर यही टीम रहती है टिल दी एंड ये टीम जीतने वाली टीम है जीसी जीतने वाला वो गुदा रखना होता है ना जो वो ये टीम रखती है एंड टू बी ऑनेस ये टीम बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल करके दे सकती है दिस वॉट आई बिलीव सो दिस वॉट वीर टॉकिंग अबाउट अब ये लोग इतना आगे गए कि ये जोन के पास तो पहुंच गए बट अभी भी जोन के अंदर नहीं है फाइट लेते लेते हैव Up so many areas. अब देखो घर को कैसे ये लोग घेरते हैं एक बंदा इधर दो बंदे पीछे एक बंदा उधर दो बंदे पीछे और उसी तरीके से लोग घर में एंट्रीस डाल करके घर को लाइक like, प्लेयर्स को खत्म करते हैं क्या होता है zone खा रहा है you cannot do anything, सीधा खत्म है So yeah. अब आती है वेम्पायर की आगे की फाइट दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी गुड फाइट जो वेपायर ने लिया अगेंस, right -hand side के अगेंस्ट राइट हैंड साइड देखा प्रॉपर खत्म किया बॉक्स के प्लेयर्स तब तक जोन नहीं पकड़ पाए थे और वहीं पर दिक्कत हो गई जैसे जैसे प्लेयर्स हील हो रहे हैं कुछ भी हो रहा जोन उन पर नहीं आ रहा है एंड वेम्पायर ने फाइनली जोन पकड़ लिया फ्रॉम बींग आउटसाइड टू द जोन टू एक्चुअली गेटिंग द जोन दे गॉट दिस गेम विच वॉज रियली गुड एंड दे गॉट ट्वेंटी फोर एलिमिनेशन विच इज इवन बेटर ठीक है थाईलैंड का रीजन एक्चुअली बहुत ज्यादा अंडर रीजन रहता है इन मामलों में एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन गेम यहाँ पर तुम लोग देखोगे इन्होंने बस इनके मन में और इन्होंने थ्रो कर दिया गेम थ्रो इन द सेंस जाने दो गेम को इट्स सच अ टीम दैट लाइक दिस लुक द डोमिनेशन राइट ग्रेनेड्स कर रहे हैं आगे मूव कर रहे हैं एंड वहीं पर निगमा गैलेक्सी को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वाई बिकॉज जीतना है राइट right? वेम्पायर इस समय निगमा गैलेक्सी के पीछे है जस्ट टू विन यूएसडी के प्लेयर्स ये गेम जीतेंगे बट ना वट डू इज दे डिसाइड टू मूव फॉरवर्ड दे टेक अप द फाइट एंड वंस दे रियलाइज कि नहीं अब नहीं हो सकता है दे आर लाइक कोई बात नहीं जाने दो गेम को ज अ वेरी वेरी प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस नहीं तो ये देखो कि कैसी फाइट्स ले रहे हैं आगे जा रहे हैं एलिमिनेट कर रहे हैं राइट बट वैपन्स एंड वहीं पर फोर राइव के प्लेयर्स को भी खत्म करेंगे को देख लिया, सीधा किया, ने. अब आती है थ्री फोर की बात राइट इट्स वेम्पायर के तीन बंदे उनमें से एक डाउन है एंड नाउ दे रियलाइज की अच्छा नहीं हो सकता कोई बात नहीं लेट इट गो बहुत आराम से इधर डिसाइड टू तो लेट इट गो सी जस्ट अराउंड दिस हाँ यूएससी के प्लेस उनके ऊपर गो फॉर लेंगे उसके बाद जब उनको समझ में आ जाएगा दिल जस्ट गो फॉर इट स्मोक्स किए पेशन ब्लॉक करने के लिए हर एक चीज हुई है राइट ऑन द सेंटर साइड बट अब जैसे इनको पता चला कि हाँ मैन एडवांटेज नहीं है और जोन एडवांटेज नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक बंदे को आगे भेजा एक बंदा सामने एक बंदा साइड में यूएससी छह ही एलिमिनेशन निकाल के वो जीत जाएंगे बट स्टिल यहीं पे रेवन क्लॉ एक साइड पर श्विप्स एक साइड पर उनको भी शॉर्ट्स पड़े हैं मॉली में घुस गए और खराब बात मॉली से गए ठीक है नाउ कम्स द मेजर पार्ट दिस इज वेयर इट कम्स अब यूएससी के पास सारे बंदे हैं तो वो बना सकते हैं प्रेशर बना सकते। सारे बात करी इन द सेंस की जब गेम नहीं चाहिए तो भी कोई मलाल नहीं है दुख नहीं है दे प्ले वेरी वेरी मेच्योरली एंड दिस डेफिनेटली शो केसिस की वर्ल्ड क्लास एथलीट है तुम लोग बताना और अगर कोई तुम लोगों के माइंड में बात हो इस टीम को देख करके एंड ऑब्वियसली मेरे को बताना और किस टीम के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के बाद मैं मिलूंगा आप लोगों वीडियो तब तक बाय बाय